हेलो दोस्त, आज जानेंगे जो SSR रिले कैसे कनेक्शन इसका करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। SSR रिले हमें कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हमारा फास्ट स्विचिंग जरूरत पड़ता है वो जगह पे हमें SSR रिले यूज करते हैं। जो SSR रिले का जो पूरा फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट रिले, जहाँ पे मिली सेकेंड में जो काम करते हैं हम इसको यूज करते हैं, इसको स्विचिंग को। इसके बाद में उसका जो आउटपुट जो मतलब लोड दे रखे हैं हमें, इसमें हमें 25 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्त। इसके बाद में ये जो हमारा है नीचे वाला है, हमको DC सप्लाई देना पड़ेगा, चार चार से लेकर 32 वोल्ट DC सप्लाई देना पड़ेगा। अभी चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसका ये स्विचिंग का लगा देते हैं। एक मैं लाइट लगा रखा है, लाइट की यूज करूंगा। ये हमारा MC मेन सप्लाई है, ये फेज वाला है, फेज इसमें पहले लगा देते हैं इसके साथ। फेज यहाँ पे लगा दिया। जैसे हमें स्विच नॉर्मल स्विच जैसे यूज कर, स्विच मतलब सीरीज में लेते हैं, बीच में स्विच लगाते हैं ना, सेम समय लोड के बीच में। इसको लगा देते हैं लोड के बीच में। ठीक है दोस्त। फिर जो लाइट की दूसरा हिस्सा, जो लाइट की दूसरा हिस्सा में लगा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हमारा न्यूट्रल बच गया, न्यूट्रल में डायरेक्ट कर देंगे इसको, लाइट के साथ जोड़ देंगे न्यूट्रल, लाइट के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 4 से 4 से 32 वोल्ट। मेरे पास एक बैटरी रखा हुआ है, पहले चेक करते हैं हमारे बैटरी से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्त, बैटरी भी चेक कर लेते हैं, वोल्टेज में हमारा जो वोल्टेज कितना है। ठीक है दोस्त, वाला पॉजिटिव है, वाला पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव का देख लेते हैं कितना वोल्टेज है इसमें। 3.8, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अभी देखते हैं। ठीक करते हैं, ये जो हमारा ये जो 4 से 32 वोल्ट लिखा है नीचे वाला सप्लाई, इस इधर वाला साइड माइनस है, इस साइड ये पॉजिटिव है। अभी डाल के देखते हैं, ये माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। देखिए दोस्त, ये बड़े सही से बढ़िया से वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया से वर्क कर रहा है। ये था हमें इसमें इसके 3 वोल्ट दे रखा है, 3.8। दोबारा चेक कर लेते हैं। वोल्टेज है, दोबारा चेक कर लेते हैं, 3.8। ठीक है दोस्त, 3.8 से चल रहा है। इसमें मैं इसको ज्यादा वोल्टेज भी देख के चेक करते हैं। ठीक है दोस्त, SMPS में ये जो हमारा जो सप्लाई है ये कम से कम 26 वोल्ट तक है। इसको लगा के चेक करते हैं, पहले मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, 26.5 वोल्ट आ रहा है। अब इसको लगा के देखते हैं, ये वाला में नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। नेगेटिव को नेगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखते हैं।
लूज है, वही चेक कर लेते हैं एमसीबी की। चलिए वहां से तार चेंज हो गया था, जो हमारा ये जो काला वाला है ये एक्चुअली पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव में रख के देखते हैं, इसको नेगेटिव में रख के देखते हैं। देखिए दोस्त सही से बढ़िया से वार कर रहा है। इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना है। देखिए 26 वोल्ट दिखा रहा है, 26.4 दिखा रहा है, जैसे बढ़िया से वार कर रहा है। ठीक है दोस्त, इसका कनेक्शन समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू दोस्त।